हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ होममेड आमंड क्रीम, बादाम की क्रीम मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। बादाम अगर आप खाते हैं तो वैसे तो आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छा ही होता है, आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इवन आप देखेंगे कि जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रीम लोशन वगैरह जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अंदर आमंड्स का यूज किया जाता है, क्योंकि आमंड्स के अंदर विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बादाम आपके स्किन के ऊपर जो जैसे कील मुहासों के जो दाग रह जाते हैं उनको भी हटाने में आपकी हेल्प करता है। दूसरा मैंने इंग्रेडिएंट लिया है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये भी आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। अगर इसको आप खाने में यूज करते हैं तो भी अच्छा होता है, आप स्किन के लिए यूज करते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसका होता है क्रीम के अंदर, ये आपके स्किन टोन को फेयर करता है, बढ़ाता है। जैसे डार्क होता है तो उसको फेयर करने में आपकी हेल्प करता है। सबसे बड़ा रोल प्ले होता है इसका आपके स्किन के लिए अच्छा होने के साथ आपके स्किन टोन को निखारता है, एनहांस करता है। तीसरा एलोवेरा जेल आपका मॉइस्चराइजर का काम करता है। एलोवेरा के गुण मैंने आपको कई बार बताए हैं, इसके लिए स्पेशली मैंने वीडियो भी बनाए हैं, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। और तीसरा चौथा है विटामिन ई। विटामिन ई हमारे लिए मॉइस्चराइजर का काम करता है, हमारे जो डार्क सर्कल्स होते हैं आईज के अंदर, लिप्स के यहाँ पर, आपके किसी भी तरह के जो डार्क सर्कल्स होते हैं, दाग होते हैं, उनको रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको किस तरह बनानी है क्रीम। क्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए बादाम, ये ड्राई बादाम है। मैंने इनको नाइट में सोक कर लिया था। सोक करते वक्त जब मैंने पानी में पानी की जगह मैंने इसमें रोज वाटर का यूज किया था, क्योंकि इसके अंदर एक अच्छी धीमी धीमी खुशबू आने लगेगी रोज वाटर की। अगर आप चाहें तो प्लेन सादे पानी का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए, ये है, ये सोक के बादाम है। अभी मैं इसको ऐसे जार में डाल के इस तरह से इसको ग्राइंड करूंगी। इसमें ग्राइंड करते वक्त मैं इसमें थोड़ा सा रोज वाटर ऐड करूंगी। वन टी स्पून एंड टू टी स्पून मैंने इसमें रोज वाटर ऐड किया है। अब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये बादाम को थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, ये इस तरह से है। बादाम के अंदर विटामिन, प्रोटीन और कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, जो सभी तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं। बादाम आपके स्किन के काले दाग धब्बे सबको दूर करने में हेल्प करता है। इसको अब हम स्ट्रेनर की हेल्प से, आप चाहें तो किसी कॉटन के कपड़े में या फिर मलमल के कपड़े में भी छान सकते हैं। अभी मैं इसको इस तरह से ऐसे छान रही हूँ। अब इस तरह से इसको इस तरह से इसको छान ले। दूसरा प्रोडक्ट है इसके अंदर एलोवेरा जेल। चाहे तो आप लीफ से इस तरह से फ्रेश निकाल के भी यूज कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश यूज करें तो इसको आपको ब्लेंड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से हाथ से ब्लेंड नहीं होता, इसलिए मैंने रेडीमेड यूज किया है। आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से 1 टीस्पून मैंने इसमें एलोवेरा जेल डाल दिया है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ये ऑलिव ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है इस तरह से। और थोड़ा सा हम इसमें अपना विटामिन ई का कैप्सूल देखिए इस तरह से इसके अंदर मैं 2 ड्रॉप विटामिन ई के कैप्सूल की डाल रही हूँ। इसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए।
ऑलिव ऑयल के अंदर आपको विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई पूरी तरह से मिलता है, जो आपके स्किन को अच्छे से नरिश करता है और आपकी स्किन के काले दाग धब्बे, कील, मुहासे के जो दाग आपके स्किन पे पड़ जाते हैं उनको भी रिमूव करने में ऑलिव ऑयल हेल्प करता है। सबसे अच्छी बेस्ट प्रॉपर्टी इसकी होती है कि आपकी स्किन को फेयर करने में बहुत हेल्प करता है। तो अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। क्रीम का रेशो बनाते वक्त मैंने बादाम का यूज किया था। बादाम क्रीम का रेशो जो मैंने बनाते वक्त यूज किया है, प्रोसेस वही रखना है सिर्फ, लेकिन आपको बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि रेशो आप 4 से 5 बादाम लेंगे तो उसके अंदर आपको 1 टीस्पून एलोवेरा जेल लेना है और 1/2 टीस्पून आपको ऑलिव ऑयल लेना है और 2 ड्रॉप्स आपको विटामिन ई के कैप्सूल में से निकालना है। इसी तरह आप अपने रेशियो को बढ़ा सकते हैं। मैंने बनाते वक्त एलोवेरा जेल एक ही यूज किया था, लेकिन बाद में थोड़ी सी बहुत पतली दिख रही थी इसलिए मैंने 2 स्पून दोबारा 1 स्पून और उसमें ऐड किया, तो मैंने 2 स्पून उसमें डाले थे। उसके बाद आपकी इस तरह से ये क्रीम बनके, ये देखिए इस तरह से क्रीम बनके रेडी हो गई। इसको आप, मैं अपने हाथ में आपको लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा, इतना अच्छा स्मूथ आपको किसी भी मार्केट की उसमें रिजल्ट नहीं मिल सकता। जिस तरह से आपको, एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका है कि ये होममेड है, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके स्किन को हार्म पहुंचाएगा और ना आपके स्किन पर किस तरह के कोई रैशेज, रिंकल्स और किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा। बहुत अच्छा रिजल्ट है, देखिए इस तरह से। आप विंटर्स में भी इसको अच्छे से यूज करिए, अपने हाथ, पैर, मुंह पर, कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं और इसको लगा करके आप ओवरनाइट देखें तो सुबह एक अच्छा सा ग्लो, फ्रेशनेस आपको मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। वीडियो प्लीज अच्छी लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।